देखो भाई लोग, इससे पहले तुम लोग कमेंट में फूटे, मैं पहले ही बता देता हूँ कि मुझे पुष्पा पार्ट वन एवरेज लगी थी, बट मेरे को अल्लू अर्जुन का काम एक नंबर स्टाइलिश लगा था। इनफैक्ट मैं इतने सालों से मूवी रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो पुष्पा पार्ट वन को लेके क्रेज देखा था, वैसा क्रेज मैंने लाइफ में नहीं देखा। एंड जोड़ने वाली बात है कि पुष्पा पार्ट वन में अल्लू अर्जुन का ऑरा, स्टाइल एंड मैजिक इतना पीक पे था कि उस फिल्म के सारे फ्लॉज को पब्लिक ने गोली मार दी। अभी आप लोग मानोगे नहीं, मैंने अल्लू अर्जुन के पुष्पा के लुक का फोटो अपने स्कूटी पे लगाया, तो आप समझ ही सकते हो। तो पुष्पा द ब्रांड एक सेलिब्रेशन का माहौल है, तो मैं खुद उसमें हिस्सा लेना चाहता हूं। एंड सबको पता है कि तेलुगु से ज्यादा लोगों ने हिंदी में सेलिब्रेट किया, इतना बौराई थी पब्लिक की, हर चौथा रील पुष्पा पे ही रहता था। तो मेकर्स को भी इस फिल्म का पैन इंडिया क्रेज अच्छी तरह से समझ गया, इसलिए वो भी डिसाइड कर ले कि भाई अब हम कोई कॉम्प्रोमाइज या कोई उंगली नहीं करेंगे, सीधा उड़ेंगे। तो सबसे पहले नारियल चढ़ाओ मैत्री मूवी मेकर्स के लिए, जिन्होंने ट्रेलर एकदम टाइम पे डाला, क्योंकि इन लोग हर बार लेट ही करते थे, एंड अगर इस बार भी करते तो नारियल से तो उठा के फेंकते। एनीवेज, पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च इवेंट पटना में हुआ, एंड जिस हिसाब की क्राउड आई, बाप रे बाप, अल्लू अर्जुन ने पटना में कर दिया दुर्घटना, दिस इज इनसेन। अबे मैं बोल रहा हूं ना कि अगर बॉलीवुड के 10 स्टार एक साथ भी आ जा रहा तो भी इतनी क्राउड नहीं आएगी, लेकिन पुष्पा से अल्लू अर्जुन ने साबित कर दिया कि वो राज करने नहीं पाप बनने आए। अच्छा तुम लोग ने बस इतना सोचना कि जहां बचकांडे बचकांडे सीक्वल्स 300 करोड़ कमा रहे, जहां पर ऑडियंस को भी मजबूरी में एंजॉय करना पड़ रहा है, तो फिर मैं आप लोग को बता दूं कि पुष्पा द रूल गर्दा उड़ा के कर देगा धूल और सारे रिकॉर्ड को दफना के कर देगा गुल। मार्क माय वर्ड, इट विल बिकम फर्स्ट 1500 करोड़ और 2000 करोड़ वाली फिल्म आफ्टर दंगल। अगर मैं पुष्पा 2 के ट्रेलर को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि इट्स अ सुपर हिट स्मार्ट कट स्वैगी ट्रेलर। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझा क्या? अबे इंटरनेशनल है अपन। अबे आप लोग देख लेना, जैसे RRR पूरी दुनिया में धूम मचाई थी, दुनिया वाले पुष्पा 2 देखने के बाद तेलुगु सिनेमा ढूंढेंगे, मार्क माय वर्ड। अबे भाई ये पैन वर्ल्ड फिल्म है, तुम देख लेना जिस हिसाब से अल्लू अर्जुन लाल चंदन से सबको मंजन कराएगा ना, तुम याद करोगे। भाई डेविड वार्नर ने तो अभी से ही प्रमोशन चालू कर दिया इस फिल्म का। अबे चुप। अब देखो इस ट्रेलर से मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि सुकुमार ने सिर्फ अल्लू अल्लू करके उल्लू नहीं बनाया, इनफैक्ट उन्होंने फहद फाजिल का पूरा इस्तेमाल किया। अल्लू अर्जुन जैसे गैंगस्टर को अपना टकला रंगा फुल ऑन टक्कर देगा, देख लेना। ऊपर से देखो मासी फिल्मों का ट्रेलर काटना बहुत ही टफ होता है, क्योंकि स्टोरी इजीली ट्रेलर से ही समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर पुष्पा 2 के ट्रेलर को लेके सुकुमार ने एक नंबर ऑरा एंड स्टाइल प्रेजेंट किया जो देखकर वाइबी वाइब मिल गई। और वही हमारे दुश्मन सेनापति यानी कि DSP का BGM इस ट्रेलर में काफी मिड लगा मेरे को, लेकिन मैंने देखा कि यार यहाँ पर 4 जन स्कोर दे रहे फिल्म के अंदर, आई मीन वो थमन, फिर वो अजनीश लोकनाथ वो कनाडा इंडस्ट्री से, फिर सैम CS वो अपने विक्रम वेदा वाले तमिल इंडस्ट्री से। भाई साहब सुकुमार ने एक कसर नहीं छोड़ी है। अबे मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ ट्रेलर देख के तुम समझ जाओ कि फिल्म ऐसा खेलेगा कि उटक पटक पेलेगा। अब इसी ट्रेलर के अंदर अल्लू अर्जुन के एक से एक फ्रेम देख लो, स्पेशली मेरा ये वाला शॉट जो है ना भाई एक नंबर। मैं बोल रहा हूँ ना, जब ये सीन थिएटर में आएगा ना तब तक शायद पब्लिक का गला बैठ जाएगा, इतना घायल होगी पब्लिक। ट्रेलर से सुकुमार तो ये भी बता रहे कि च्विंगम अगेन बड़े मियां छोटे ने लिया वाले फिल्म मेकर देख लो कि भाई कैसे मासी सीन्स एंड एलिवेशंस प्रेजेंट करते। वही श्रेयस्थल पड़ी की डबिंग कहीं कहीं थोड़ी अजीब लग रही थी, बाकी मैं आपको बता दूं कि फिल्म का बजट 500 करोड़ बता रहे ये लोग, जिसमें से आई थिंक अल्लू अर्जुन ने खुद 300 करोड़ लिया है, और उतना बनता भी है क्योंकि पूरी फिल्म उसके कंधे पे चलेगी। हालांकि कंधा झुका है, लेकिन देख लेना घोड़ी सबको बनाएगा 1000 करोड़ कमा के। मजाक नहीं करो, एक एक सीन देख लेना आइकॉनिक होने वाला है। भाई मैं तो खुश हूँ फाफा का ऐसा रूप देख के, बिकॉज पार्ट 1 में फाफा को तो फाफड़ा दिखाया था, लेकिन पार्ट 2 में तुम फाफा का रूप देख लेना। उसकी एक्टिंग देखने के बाद अगर आपको लगे कि इंडिया में कोई एक्टर इसके आसपास भी है तो मुझे कॉल करना, देखना स्विच ऑफ आएगा। वही हमारी रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली भी है जिनको म्यूट रखा है ताकि ट्रेलर अच्छा बन सके। सो ओवरऑल आई एम डैम एक्साइटेड, देख लेना पुष्पा 2 सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं थिएटर भी तोड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई फिल्म लगेगी नहीं। वही अपन तो डिसाइड किया कि पुष्पा 2 के लिए रैप भी बना के आप लोग के साथ थोड़ा सेलिब्रेट किया जाए। अगर आप लोग चाहते कि मैं बनाऊं तो प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दो यार, इस सपोर्ट से मुझे समझ जाएगा कि मुझे रैप बनाना चाहिए, मेरे को मोटिवेशन मिल जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करो, प्लीज प्लीज प्लीज, तुम्हारा भाई अब एक से एक धमाका लाने वाले। मिलते अगले वीडियो में, बाय। वैसे मुकेश खन्ना भी अल्लू अर्जुन पुष्पा का रोल कर सकते थे। अबे चुप।